तो दोस्तों आज हो गई है 1 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। बाबरी विध्वंस केस में फैसले पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ज्यूडिशरी को बताया है मोदी श्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपियों को कोर्ट से बाइज्जत बरी किए जाने पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने काफी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि देश ज्यूडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका से मोदी श्री यानी कि मोदी से प्रभावित न्यायपालिका की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इशारों में कहा है कि जज ने सरकार से पुरस्कृत होने के लिए न्याय को ताक पर रख करके फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से सच्चे लोगों के मन में डर की भावना घर कर जाएगी और गलत प्रवृत्ति आनंद मनाएंगे। यह यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने जोरदार हमला बोला है सीबीआई के जज एसके यादव पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बाबरी विध्वंस केस, अदालत का फैसला बिल्कुल ही गलत। जफर याब जिलानी बोले हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता जफर याब जिलानी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत के द्वारा बुधवार को सभी 32 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। जिलानी ने कहा है कि विशेष सीबीआई अदालत का फैसला बिल्कुल ही गलत है। अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए यह निर्णय दिया है, मुस्लिम पक्ष इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दर्जनों गवाहों के बयान दर्ज हैं। आपराधिक मामलों में गवाहों के बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गवाहों में आईपीएस अफसर और पत्रकार भी शामिल हैं जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि मामले में आरोपी बनाए गए लोग मंच पर बैठे थे और भड़काऊ भाषण लगातार दिए जा रहे थे। जब वहां पर गुम्मत गिरा तो खुशियां मनाई जा रही थीं, मिठाइयां बांट रही थीं और अदालत कह रही है कि कोई भी साजिश नहीं थी। सीबीआई अदालत का यह निर्णय कानून के खिलाफ है, ये यहां पर कहना है जफर याब जिलानी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का पंजाब दौरा, 2 अक्टूबर को ट्रैक्टर रोड शो। जी हां दोस्तों, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे राहुल गांधी। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय कृषि अध्यादेशों के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत लोकसभा क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब के बदनी कला से होगी और रायकोट में 2 अक्टूबर को ट्रैक्टर रोड शो होगा। 3 अक्टूबर को राहुल गांधी लोकसभा क्षेत्र संगरूर के धरी से पटियाला लोकसभा क्षेत्र के समाना तक प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर को पटियाला से रोड शो शुरू होकर के हरियाणा सीमा तक चलेगा। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी उतरेंगे किसानों के साथ सड़कों पर और मोदी सरकार को घेरेंगे इस दौरान। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, हाथरस घटना पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। हाथरस की घटना पर ट्वीट करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि औलादे होती तो शायद साहेब को भी दर्द होता। तेज प्रताप यादव का यह निशाना इशारों ही इशारों में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर था। दूसरे ट्वीट में पीड़िता की मां का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में यह घटना होती तो अब तक हिंदू खतरे में आ जाता, यहां दलित केवल चुनाव के समय हिंदू रहता है। ये यहां पर तेज प्रताप यादव ने जोरदार हमला बोला है पीएम मोदी और सीएम योगी पर और कहा है कि औलादे होती तो शायद साहेब को भी दर्द होता। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बाबरी विध्वंस केस में फैसले को न्यायपालिका का काला दिन बताते हुए ओवैसी ने पूछा, क्या जादू से गिरी थी मस्जिद? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अदालत की तारीख का काला दिन करार दिया है।
ओवैसी ने फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि क्या जादू से मस्जिद को गिराया गया। ओवैसी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को नाइंसाफी करार देते हुए कहा है कि मैं बतौर भारतीय मुस्लिम आज अपमान, शर्म और असहाय महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि यह न्याय का मामला है और आज बीजेपी इस मसले की वजह से ही सत्ता में है। ओवैसी ने आगे कहा है कि लाल कृष्ण अडवाणी ने पूरे देश में रथ यात्रा निकाली, हर जगह हिंसा हुई। उमा भारती ने नारा दिया था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जब बाबरी शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटी जा रही थी। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सभी लोग खुशियां मना रहे थे। विनय कटियार के घर में साजिश रची गई, ये यहां पर ओवैसी का कहना है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वही कातिल वही मुनसिफ, अदालत उसी की। आप लोगों को बताते चले, ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस अभियुक्त भगवान गोयल ने कोर्ट के बाहर यह स्वीकार किया कि हाँ बाबरी का विध्वंस किया है और कोर्ट के अंदर वो बाइज्जत बरी हो जाता है। इससे पहले ओवैसी ने कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर तंज कसते हुए एक शेर ट्वीट किया है और कहा है कि वही कातिल वही मुनसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। ये यहाँ पर ओवैसी ने तंज कसा है और बाबरी विध्वंस केस में फैसले को न्यायपालिका का काला दिन बताया है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने। कि आप लोग दोस्तों ओवैसी की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। बाबरी फैसले के कुछ घंटों के बाद मथुरा सिविल कोर्ट ने खारिज की कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटाने की याचिका। जी हाँ दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की याचिका सिविल कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। मथुरा सिविल कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर दावे की याचिका स्वीकार नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का निपटारा 1968 में ही हो चुका है, इसलिए अब याचिका दायर करने का कोई भी औचित्य नहीं है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। यूपी का बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर याद है ना, हाथरस गैंग रेप पर कन्हैया कुमार बोले पूछता है भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस गैंग रेप केस पर लोगों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को पीड़िता की मौत के बाद रात के अंधेरे में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को लेकर के लोग मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक में अपना जबरदस्त गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और योगी सरकार को ले रहे हैं निशाने पर। तमाम राजनीतिक दल भी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार ने इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से योगी सरकार को घेरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर याद है ना, सत्ता ने बलात्कार और हत्या के इस आरोपी को बचाने का भरपूर प्रयास किया था, इससे ही बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है। हाथरस की दर्दनाक घटना में भी यही देखने को मिला है। बलात्कारी बेखौफ होकर के हमारी निर्भयाओं को बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार देते हैं। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया को भी लिया है निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, कन्हैया कुमार ने कहा है कि बलात्कारियों ने देश की एक बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जुबान काट दी ताकि वो बलात्कारियों के खिलाफ बोल ना सके। पूछता है भारत कि मीडिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ ली है और जुबान क्यों सिल ली है। इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हाथरस उत्तर प्रदेश में है, इतनी हद तक चाटुकारिता कर रही है गोदी मीडिया। ये यहां पर कन्हैया कुमार ने सीधे तौर पर योगी सरकार और गोदी मीडिया को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर बोले जरूरत पड़ी तो राज्य के कानून में संशोधन कर केंद्र के कृषि कानून से लड़ेंगे लड़ाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब सरकार इन किसानों का जबरदस्त तरीके से समर्थन कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुला करके राज्य के कानून में संशोधन करेगी ताकि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों से लड़ा जाए। सीएम अमरिंदर सिंह ने कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में सलाह भी ले ली है। मुख्यमंत्री किसान यूनियनों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और उनको अपना समर्थन जता चुके हैं और उनका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी इस पूरे मुद्दे पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं।
राहुल गांधी का सीएम योगी पर निशाना, कहा दलितों को दबाने की यूपी सरकार की शर्मनाक चाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंग रेप की झकझोर देने वाली घटना को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि यूपी के वर्ग विशेष को दबाकर उसे स्थान दिखाने की यूपी सरकार की शर्मनाक चाल है। इससे पहले राहुल गांधी ने योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए यूपी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये सब सिर्फ दलितों को दबाकर उन्हें समाज में उनका स्थान दिखाने के लिए यूपी सरकार की शर्मनाक चाल है। हमारी लड़ाई इसी घृणित सोच के खिलाफ है। तो वहीं दलित युवती के सब को जलाने वाला वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत की एक बेटी का रेप और कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। ये यहां पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सीएम योगी को लिया है निशाने पर। तो वहीं प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर सीएम योगी का मांगा है इस्तीफा। ये यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हाथरस गैंगरेप के सड़कों पर उतरे लोग यूपी सरकार के खिलाफ की है जमकर के नारेबाजी। आप लोगों को बताते चले, हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के बैनर तले लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी दिलवाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इस घटना के बाद लगातार देश भर में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है योगी सरकार के खिलाफ और जबरदस्त तरीके से लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। हाथरस कांड पर अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार पापी भी अपराधी भी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी ने हाथरस की घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला किया है और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को लिया है निशाने पर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार करने के लिए पापी करार दिया है। हाथरस गैंगरेप मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के कारण लगातार योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने योगी सरकार को महिला सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से विफल बताया है और कहा है कि यूपी में जंगलराज कायम हो चुका है। ये यहां पर चौतरफा घेरा है विपक्ष ने योगी सरकार को। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई है जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई है। इन खबरों को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत